फ्रेंड्स, हम जितने भी पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं तो ये पॉइंट्स सारे के सारे आपको इंटरव्यू पर्पज़ के लिए, आप चाहे एक्सपीरियंस्ड हैं या फ्रेशर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब। तो मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूँ सब ब्रिक के बारे में कि कैसे उसके पॉइंट्स कौन कौन से क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली हम बात कर लेते हैं ये जो हमारा ब्रिक होता है, ओके, इस ब्रिक के कौन कौन से पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं, जब उसको कट करते हैं कहाँ से कट करते हैं क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड थियोरटिकल नॉलेज बोथ ऑफ के लिए। तो फ्रेंड्स, बता देते हैं, ये जो पोर्शन होता है हमारा, अगर हम ब्रिक को, इस फेस को देखें, हमारा ये जो फेस होता है, इस फेस को, ओके, इस फेस को हम बोलते हैं स्ट्रेचर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्ट्रेचर। ओके, पॉइंट्स क्लियर हो गया। इस फेस को हम जो बोलते हैं, इस फेस को बोलते हैं हम हेडर। ओके, ये हमारा हेडर होता है, ये वाला फेस। ओके, ये हमारा स्ट्रेचर। एंड इसकी बात करें फ्रेंड्स, हम इसको बोलते हैं बेड, ब्रिक का बेड। ओके, एंड फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि कभी कभी पूछा भी जाता है, ये जो होता है ये क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यों करते हैं, इसका क्या नाम होता है? तो फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं फ्रॉग। ओके, फ्रॉग। और इसको प्रोवाइड क्यों करते हैं, सबसे मेन पॉइंट ये, देखिए, इसको प्रोवाइड इसलिए किया जाता है, एक तो इसमें कंपनी अपना मार्का मार सकती है, अपना कंपनी अपनी मार्किंग दे सकती है अपने नाम का, जैसे इसमें लक्ष्मी लिखा हुआ है। ओके, ऐसे। प्लस ये बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को बनाए रखता है, जैसे हम अपना ब्रिक वर्क करते हैं तो हम इसके ऊपर से जो मोर्टार होता है उसको रखते हैं, फिर उसके ऊपर देखते हैं, तो इसमें बॉन्ड, एक प्रॉपर बॉन्ड बन जाता है जिससे उसको हाई स्ट्रेंथ मिल जाती है। ओके, इससे स्ट्रेंथ भी मिलती है और प्लस उससे कंपनी का मार्क मिल जाता है, तो इसलिए फ्रॉग फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये पॉइंट सब फ्रेंड्स क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं इसके बैट वगैरह के, जो हम क्वीन क्लोजर किसे बोलते हैं, ये सब इन पॉइंट्स को हम क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसको ऐसे काट दें हाफ, बिल्कुल मान के सपोज हम करिए, हमने यहाँ से ब्रिक को काट दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं हाफ बैट। ओके, क्या बोलते हैं? हाफ बैट बोलते हैं। तो ये हाफ बैट हो गया फ्रेंड्स। और हम फ्रेंड्स अगर इसको इस फेस से काट दें, मीन्स जैसे कि ये हम ऐसे, हमने स्केल रखा हुआ है, ओके, हम इसको हाफ ली इसके लॉन्गिट्यूडल में, मीन्स इसके अलोंग द लेंथ हम इसको हाफ कट कर देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। क्या बोलते हैं? क्वीन क्लोजर हाफ। ओके, क्वीन क्लोजर हाफ बोल देते हैं अगर हम इसको ऐसे हाफ से बिल्कुल कट कर देते हैं। ओके, अगर हम इसको केवल इतने पोर्शन को कट के यूज करते हैं, देखिए हमारा ये हाफ हो गया, और इस हाफ का भी अगर हम हाफ कर दें, ओके, ये वाला पोर्शन केवल यहाँ से ये और ये, ओके, ये से ये, तो इसको बोलते हैं हम क्वीन क्लोजर क्वार्टर। ओके, इसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर हाफ, इसको क्वीन क्लोजर क्वार्टर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारा किंग क्लोजर क्या होता है। अब हमारा किंग क्लोजर, ओके, अगर हम यहाँ से, देखिए हमने स्केल रखा हुआ है, इस टाइप से अगर हम इसको काट दें और इस पार्ट को अलग कर दें, जो पार्ट इधर बचे, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे कहीं, ओके, इसके हाफ में और इसके हाफ से, ओके, अगर हम इस तरीके से काट दें, इस हाफ से, इस हाफ से, तो ये जो हमारा पार्ट बचेगा इधर का साइड का, ओके, जो हमारा ये वाला साइड है लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड को अलग कर दें, तो हम इसको बोल रहे हैं किंग क्लोजर। ओके, अब फ्रेंड्स बात करते हैं बेवल्ड किसको बोलते हैं। बेवल्ड, एक बेवल्ड क्लोजर होता है, बेवल्ड क्लोजर होता है फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से इसका सेंटर लें और इसका जो है ये वाला जो ये फेस है, इस फेस से और इसके सेंटर तक काट दें और इस पार्ट को अलग कर दें, तो जो ये हमारा पार्ट बचेगा, ओके, ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे बेवल्ड क्लोजर फ्रेंड्स। ओके, एंड फ्रेंड्स, अगर हम इस फेस के बिल्कुल ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से और इस टाइप से काट दें और इस फेस को अलग कर दें, तो इस वाले जो हमारा फेस बचेगा इधर से, ओके, इस तरीके से, और राइट साइड वाले को हम अलग कर दें, और ये लेफ्ट साइड वाला है इसको हम बोलेंगे म्यूटाइड क्लोजर। ओके, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? म्यूटाइड क्लोजर। फ्रेंड्स, कॉम्पिटिशन हो या आपका कॉम्पिटिशन में भी कभी पिक्चर दिखा के पूछ लेता है क्या बोलते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम से, प्लस इंटरव्यू पर्पज के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, कोई आप इंटरव्यू या वाइवा वगैरह में बैठेंगे तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इन क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, हाफ बट हो गया है आपका, इसको बोलते हैं अगर मैं इतना कट कर दूं, ओके, थर्डली इस वाले पार्ट को अलग कर दूं, यहाँ से कट करके अलग कर दूं, तो इसको बोलेंगे हमारा थ्री क्वार्टर बट। थ्री क्वार्टर बट बोलेंगे अगर हम इसको यहाँ से कट करके अलग कर दें, इसको बोलेंगे थ्री क्वार्टर बट। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, ये हमारा इस तरीके से कट कर दे अगर हम इसको यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट करके, ओके, थोड़ा टिल्ट करके इस तरीके से टिल्ट कर दे, तो ये हमारा होगा बेवल्ड बैट। ओके, बेवल्ड बैट बोलेंगे इसको अगर हम इस तरीके से कट कर दें। तो फ्रेंड्स, आई थिंक सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, सब चीज़ क्लियर होंगे, कौन सा किन क्लोजर होता है, कौन सा क्वीन क्लोजर होता है,
इसको फ्रॉग बोलते हैं, इसको स्ट्रेचर बोलते हैं, इसको इस फेस को हेडर बोलते हैं, इसको बैट बोलते हैं ब्रिक का। ओके तो फ्रेंड्स आई थिंक सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी से एक क्वेश्चन है कि आप मेरे को ये बताएं फर्स्ट क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, कमेंट कर जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।